की भीड़ और चकाचौंध से दूर जो खुशी है ना, वो मुझे रोज़ चाहिए। और यही कारण है कि एक बार फिर मैं एक नए रास्ते पर एक नई मंजिल पाने के लिए निकल चुका हूँ। यस, दिस टाइम आई एम गोइंग टू वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड। तो मेरा यह सफ़र हरिद्वार से शुरू हुआ और पहली मंजिल थी गोविंद घाट। यह आई वॉज नॉट अलोन, देयर वर सम अमेजिंग अननोन, नाउ नोन पीपल विद मी। सो सुबह 7 बजे हम गोविंद घाट के लिए हरिद्वार से निकले तो लगा रास्ते भी हमें ही बुला रहे हैं और इस शहर की खूबसूरती दिल में उतर जाती है। इस सुकून का और चैन का ना जाने कब से इंतज़ार था। नेवर माइंड, बैक टू द टॉपिक। ओके, आई वोंट लाई, आई वॉज रियली स्कैर्ड, क्योंकि इस मॉनसून के सीज़न में लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। पर वही है ना कि जब मन फड़फड़ाए तो मौत का डर कहाँ सताए। वैसे डर तो बहुत लगा था, पर एक अनजानी खुशी भी थी इन अनजान रास्तों पर। बस फिर क्या था, इस मौसम का, इन वादियों का मज़ा लेते हुए चले जा रहे थे। बीच में कुछ छोटे गांव, कुछ कस्बे जहां हम कुछ पल ठहरे और हमने वहां थोड़ी पेट पूजा की और पंच प्राग के लिए निकल गए। गोविंद घाट तक जाने के लिए पंच प्राग से निकलना ज़रूरी है। तो बस यूं ही चलते चलते उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पर नज़र पड़ी, अ प्लेस ऑफ पीस एंड ब्यूटी, जहां ना तो शहर की मेट्रो दौड़ती है और ना ही कोई पॉल्यूशन। दीज ग्रीन फील्ड्स हैव मैग्नेटिक अट्रैक्शन, नो डाउट। फर्स्ट वी रीच्ड देवप्रयाग, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल विलेज, आई वॉज सीरियसली मेजमराइज बाई इट। अलकनंदा और भागीरथी का संगम यही होता है जिससे गंगा नदी बनती है। इन रास्तों की एक खास बात यह भी है कि यहाँ तुम्हें वो सब याद आएगा जो शहर के शोर में मन में कहीं दबा रह जाता है। हाँ, हैप्पी, सैड, सारे इमोशंस एक साथ फील हो रहे थे और हम बस अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। थोड़ी ही दूर एक लैंडस्लाइड हुई थी जहाँ हमें 20 से 25 मिनट रुकना पड़ा था, लेकिन उसके बाद हमने फिर एक बार रफ्तार पकड़ी और निकल पड़े। चुप चुप कर अब प्यार की पहली नजर, ले गई कहीं जाए कोई हुई है कोई आरज़ू। सो वी हैड सो मच फन टुगेदर, मज़ा तो हद आया, कुछ नए दोस्त मिले और कुछ नई यादें। ये रास्ते इतने खतरनाक थे कि ऐसी सिचुएशन में हमें खुद को संभालना था, लेकिन इनसे गुजरने का भी एक अलग ही मज़ा है। बीच बीच में लैंडस्लाइड्स बहुत हुई, लेकिन जैसे तैसे उनसे आगे बढ़ ही गए हम। कुछ खाया पिया तो लगा हाश जिंदा है। We were extremely tired at that time, tired as hell. तो यह हमारे इस जर्नी का लास्ट स्टॉप था, जहां हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, कुछ खाया, कुछ बातें की। हम सब बहुत बुरी तरह से थके हुए थे, पर वहां पहुंचने की एक्साइटमेंट ने हमारे अंदर जोश भरा हुआ था। तो बस हम निकल पड़े अपने आखिरी पड़ाव पर। पिछले 26 घंटे से अब जाके फ्री हुए हैं। पकड़ना भाई कैमरा, बस तो भाई बताओ कैसा लगा ट्रैवल करके तुम्हें? बिल्कुल, पहली बार और बेस्ट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार। और आपका भाई? यार मेरे को तो मज़ा आता है, तो इतना रोड ट्रिप्स करता हूँ, मेरे को तो एकदम नॉर्मल लगा, चिल। मतलब ये मेरा सेकंड ट्रैक था, मतलब सेकंड ट्रैक कल से स्टार्ट होगा वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। मैं दिल्ली से हम 8 बजे निकले थे,
आठ बजे निकले थे ना, दस बजे 8:30 और 10 बजे की हमारी बस थी और उसके बाद से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं और अब पूरे जाके 24 घंटे मतलब 26 घंटे हुए हैं। नेक्स्ट डे और एक नई सुबह, हमने अर्ली मॉर्निंग अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और अब हमें निकलना था पुलना गांव के लिए जो कि गोविंद घाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। गुड मॉर्निंग, तो अभी हम ब्रेकफास्ट किया हमने और हम सारे निकलेंगे घांघरिया के लिए। इसमें एक सस्पेंस था हमारा कि हमें ना अपना पूरा लगेज लेकर जाना है अभी घांघरिया तक। मेरे इस बैग का रेन कवर नहीं है, आगे वाले बैग का रेन कवर है मेरे पास, तो अभी मैं मार्केट से पोंचोस खरीदूंगा, उसके बाद हम टैक्सी करके पुलना विलेज तक जाएंगे। चलो रेडी, चलो चलो चलो। और हमारा असली सफ़र यहाँ से शुरू हुआ क्योंकि अब अगले 4 दिन हमें एक ऐसी जगह रहना था जहाँ ना तो फ़ोन के सिग्नल्स आते हैं और ना ही कोई टैक्सी जाती है, और हम सब भी वहाँ जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमारे निकलते ही बारिश भी शुरू हो गई और कुछ कदम चलते ही एक वाटर क्रॉसिंग भी मिला, पर बीच रास्ते में इससे कहीं ज़्यादा मुश्किलें आने वाली थी जिनको पार कर कर हमें घांघरिया तक पहुँचना था। इस मानसून के सीज़न में हमें खुद को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड रखना था, इसलिए हमने मार्केट से कुछ ज़रूरी सामान लिया जैसे रेनकोट, पोंचोज, और अपने साथ साथ हमें अपने सामान का भी ध्यान रखना था क्योंकि आने वाले रास्तों में मौसम कब बिगड़ जाए हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। जिस रास्ते से हमें पुलना के लिए निकलना था वहाँ पहुँचे तो पता लगा आगे जाने का रास्ता बंद था क्योंकि एक ब्रिज टूट गया था आगे। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय इंतज़ार करने के। ये एडवेंचर हमें किस मोड़ पर ले आया था, हमने वहाँ करीब 3 घंटे तक इंतज़ार किया। हम सब थोड़े निराश भी हुए क्योंकि जिस एक्साइटमेंट के साथ हम सब एक साथ निकले थे हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमें इतना इंतज़ार करना पड़ेगा। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हमें हमारी टैक्सीज रेडी है, बट आगे 4 किलोमीटर दूर एक बहुत ही मेजर लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे सब रुके हुए हैं। देखो यहाँ पे पुल पे किसी को आने की परमिशन नहीं है अभी, और उसमें पता नहीं 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, कोई आइडिया नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या होगा, उसके बाद हम पुलना के लिए निकलेंगे यहाँ से, अगर जैसे वो लैंडस्लाइड ठीक होती है, फ्री होती है। 3 साल से आ रहे हैं, कोई आइडिया है कितना टाइम लगेगा खुलने में? टाइम आधा 1 घंटे में होगा तो हो गया, अगर सिचुएशन खुल गया तो खुल गया, अगर खुल जाएगा तो अच्छी बात है, उसके बाद ही जा पाएंगे हम। मतलब हुआ क्या एक्चुअल में वहाँ पे? वहाँ पे एक लकड़ी पुल है ना, अच्छा। छोटा पुल है, वो बह गया है और दूसरा एक पुल के ऊपर से पानी जा रहा है। अच्छा, तो बस इंतज़ार करते करते हमें एकदम से पता चला कि रास्ता खुल गया है, और यह सुनते ही हमारे अंदर का जोश फिर से जाग गया और हम अपनी टैक्सी में बैठकर पुलना गांव के लिए निकल पड़े। और इसी के साथ ये हमारा आखिरी सफ़र था टैक्सी में क्योंकि इसके बाद अब हमें बस ट्रैक ही करना था। सो फाइनली हम पुलना पहुँचे और अब यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होना था घांघरिया के लिए जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर है और हमारा बेस कैंप भी है। सो That was my journey from Haridwar to Pulna. अब अगले 4 दिन एक नया एडवेंचर स्टार्ट होने वाला था, हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला था। क्या बोलना क्या बोलना? नाम म्यो हो रेंगे क्यों? नाम म्यो हो रेंगे क्यों? रम नाम रम नहीं नाम नाम म्यो म्यो हो रेंगे क्यों? I was excited. I was afraid, but more than anything, I wanted to live those moments. इस बारिश में ट्रैक पर निकलने के लिए
हम रेडी थे टू सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड हाउ आवर ट्रैक वेंट. वॉच माई नेक्स्ट वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग देव टाइमलाइंस. थैंक यू सो मच गाइज़.